हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल और आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे हमारे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के बारे में जिसको जो हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ आईडीएस दैट इज़ इंटरव्यूजन डिटेक्शन सिस्टम हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको आईडीएस के बारे में जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी कि बेसिकली आईडीएस होता क्या है और किस तरीके से इसके कॉम्पोनेंट्स एस आई ई एम सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट और आई पी इंटरव्यूजन प्रिवेंशन सिस्टम जो है वर्क करते हैं और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस प्लेलिस्ट के अंदर जो है हम हर एक टॉपिक हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीटली डिस्कस करेंगे विदाउट शिपिंग एनी पार्ट हमारे आई की वीडियो का यही जो एक सेकेंड पार्ट है जिसके अंदर हम आज क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं आई की तो बेसिकली आई जो होता है वो हमारा दो टाइप की क्लासिफिकेशन में डिवाइड है दैट इज नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एन आई एंड द सेकेंड वन इज होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम दैट इज एच तो ये दो टाइप के जो है क्लासिफिकेशन आज हम पढ़ेंगे तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन कि नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एन जिसकी मैं बात करूं तो ये होता क्या है तो NIDS जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है नेटवर्क डिटेक्शन सिस्टम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था ये जो है आपके सिस्टम पे अटैक्स को जो है डिटेक्ट करता है और जहां पे नेटवर्क की बात आ जाएगी तो ओवर द इंटरनेट जो भी हमारे सिस्टम पे अटैक्स आ रहे होंगे उन सभी को जो है हमारा एनआईडीएस जो कॉम्पोनेंट है आई का पार्ट आई का क्लासिफिकेशन वो जो है यहाँ पे नेटवर्क के थ्रू जो अटैक्स आ रहे हैं उनको जो है वो आइडेंटिफाई करेगा थोड़ी और डिटेलिंग में अगर हम जाए इसके तो NIDS जो है, बेसिकली एक सेटअप होता है जो कि प्लान होता है एक पर्टिकुलर नेटवर्क को एग्जामिन करने के लिए पर्टिकुलर नेटवर्क का मीनिंग है ओवर इंटरनेट जो भी हम ट्रैफिक क्रिएट कर रहे हैं जो भी हमारे सिस्टम पे ट्रैफिक आ रहा है किसी भी डिवाइस के थ्रू ओवर द इंटरनेट ऑन द इंटरनेट उन सभी से जो है जो भी अटैक्स की पॉसिबिलिटीज है उन सभी की अगर डिटेक्शन हमें करनी है तो एन का जो है हम यूज़ करते हैं तो ये जो है आपने सबनेट का नाम सुना होगा सबनेट कहाँ पे यूज होता है सबनेट जो है आपका ओवर द इंटरनेट वाईफाई पे या फिर जो भी हम डेटा ट्रांसफर या फिर डेटा को कनेक्ट कर रहे होते हैं वहां पे जो है सबनेट का यूज होता है तो सबनेट बेसिकली क्या करता है आपका डेटा जो है एक पर्टिकुलर सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ओवर द इंटरनेट ट्रांसफर करने में हेल्प करता है सबनेट के थ्रू जो भी अटैक्स की पॉसिबिलिटीज है या सबनेट के थ्रू जो भी ट्रैफिक क्रिएट हो रहा है ट्रैफिक आ रहा है हमारे सिस्टम के पास इन द फॉर्म ऑफ डेटा इन फॉर्म ऑफ़ पैकेट्स। अगर उन सभी में जो है किसी भी टाइप का कलेक्शन ऑफ अटैक्स अगर फाउंड होता है तो NIDS को पता चल जाएगा और एज पर रूल वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को जो है एक पॉपअप मैसेज या फिर एक पर्टिकुलर मैसेज जो है प्रोवाइड कर देगा दैट अटैक हैज बिन फाउंड ऑन द सबनेट तो इस तरीके से कुछ भी मैसेज प्रिंट हो सकता है ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे आपके आइडियाज़ कि किस तरीके का अटैक मैसेज या फिर अलर्ट मैसेज वहाँ पे डिफ्रेंशिएट या फिर प्रोवाइड किया गया है सेम जैसे आई के अंदर अगर कोई भी अटैक आइडेंटिफाई हो जाता है या फिर कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर जिसे हम वायरस की फॉर्म में बात करते हैं अटैक्स की फॉर्म में बात करते हैं अगर वो चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती है तो उसके बाद जो एक अलर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास पहुँच जाता है अब एन का एग्जाम्पल क्या है एन का एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है फायर वोल्स फायर वोल्स मीनिंग एंटी मेलवेर या फिर एंटी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर थ्रू सबनेट या फिर सबनेट के ऊपर सबनेट जो है बेसिकली आपका क्या है एक पोर्ट पॉइंट होता है जहाँ पे अभी मैंने आपको बताया डेटा को आप शेयर कर सकते हैं या फिर कलेक्ट कर सकते हैं रिसीव कर सकते हैं तो जब हम फायर वोल्स को इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उस टाइम तक जो है हमारे सिस्टम में कोई भी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होता है तो उस टाइम पे जो है अगर हमारे सबनेट पे या फिर हमारे फायर वोल्स पर डायरेक्टली अगर अटैक होता है तो उस टाइम पे जो है हमारे आईडियज जो है वो हमारा जो भी हमारा अटैक है या फिर जो भी अब बिहेवियर एक्टिविटी है उसको वो डिटेक्ट कर लेगा और यह हमें पता कैसे चलेगा जो भी हमारा अटैक होगा जो भी हमारा वायरस होगा वो क्या कर रहा होगा वो हमारी फायर को क्रैक करने की कोशिश कर रहा होगा ताकि वो हमारे सिस्टम के अंदर आ सके सिस्टम के अंदर एंटर कर सके और जो है जो भी उसका पर्पस है थेफ्ट या फिर डेटा ब्रीच उसको वो परफॉर्म कर सके तो ये था पहला टाइप नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जिसमें ओवर द इंटरनेट या फिर मैं बोल सकता हूँ ओवर द नेट

पॉलिसी आई की जो वर्क करेगी वो वहाँ पर करेगी आई डी एस दैट इज़ होस्ट इंटेलिजेंट डिटेक्शन सिस्टम और इसका भी आपका सेम फंडा है ये मॉनिटर करेगा इनकमिंग और आउट गोइंग पैकेट्स को फ्रॉम द डिवाइस जैसे कि भैया मैंने आपको बताया कि डेटा आपके पैकेट्स के फॉर्म में स्टोर होता है तो आपके डिवाइस के अंदर जो भी डेटा है जो भी पैकेट्स है अगर वो हमारे सिस्टम के अंदर रिसीव हो रहे हैं या फिर सेंट हो रहे हैं तो अगर उनके अंदर कुछ वायरस पाया जाता है या उनके अंदर कुछ ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटी पाई जाती है आई के अंदर डिटेक्ट होने के बाद तो सेम एक अलर्ट मैसेज जो है एडमिनिस्ट्रेटर के पास पहुंच जाता है और सस्पिशियस एक्टिविटी का मैसेज जो है वो वहां पे पहुंच जाता है दैट मलिशियस एक्टिविटी इज डिटेक्टिव तो ये जो है एक बेसिक होस्ट इंक्लूजन सिस्टम दैट इज आई का ब्रीफ ओवरव्यू था इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो मशीन्स के अंदर जो भी हमारे सॉफ्टवेयर है अगर उनके अंदर कुछ वायरसेज या फिर अटैक्स पाए जाते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं तो उन सभी को जो है एच डिटेक्ट करता है तो ये था क्लासिफिकेशन जिसमें हमने दो टाइप पढ़े नेटवर्क इंट्रोजन डिटेक्शन सिस्टम एंड द अदर वॉज इन होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एन एंड एच अब डिटेक्शन मैथड क्या यूज करते हैं अब आईडीएस दैट इज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के अंदर दो टाइप के मेथड यूज होते हैं एक मेथड यहाँ पे यूज होता है सिग्नेचर बेस्ड मेथड। अब सिग्नेचर बेस्ड मेथड के अंदर क्या होता है हमारा आईडीएस है wo specific पैटर्न्स के थ्रू जो है हमारी सर्चिंग या फिर डिटेक्शन पॉलिसी के अंदर वर्क करता है अब स्पेसिफिक पैटर्न किस फॉर्म में हो सकते हैं तो डेटा जो है हमारे सिस्टम के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है बाइनरी फॉर्म में तो अगर बाइनरी फॉर्म के अंदर कुछ वायरस की फॉर्म में या फिर कुछ इस तरीके का डेटा प्रोवाइडेड है जो कि आपके सिस्टम को हार्म कर सकता है जैसे कि नंबर ऑफ वंस जो है एक डेटा फाइल के अंदर बहुत ही ज्यादा है या फिर नंबर ऑफ जीरो जो है नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर बहुत ही ज्यादा रिसीव हो रहे हैं तो इस तरीके जो है अगर पैटर्न डिटेक्ट करता है हमारा आईडीएस तो वो मेथड आता है हमारा सिग्नेचर बेस्ड मेथड में ये आपकी स्लाइड के अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन आप वीडियो को पोस्ट करके यहाँ से समझ सकते हैं देख सकते हैं कैसे हमारा सिग्नेचर बेस्ड मेथड जो है यहां पे वर्क करता है ब्रीफ ओवरव्यू बेसिक ओवरव्यू अगर पैटर्न डिटेक्शन की बात आएगी तो सिग्नेचर बेस्ड मैथड जो है यहाँ पे यूज होगा और इसी तरह सेकेंड एक आता है एनॉमली बेस्ड मैथड अब एनॉमली बेस्ड मैथड जो है हमारे सिग्नेचर बेस्ड मैथड से बिल्कुल ऑपोजिट है ये क्या करेगा ये हमारे मेनुअ टैक्स को फॉलो करता है तो यानी अगर हमारे सिस्टम के ऊपर वायरस अटैक आ रहा है या जैसे कि अभी हमने प्रीवियस एक, एक में पढ़ा था कि को क्रैक करने की कोशिश होती है हमारे एंटी सॉफ्टवेयर को क्रैक करने की कोशिश होती है तो अगर उनपे कुछ अटैक्स आ रहे हैं एन एन वायरसेस के थ्रू वहां पे जो प्रोसेस वहां पे जो मेथड यूज होगा वो यूज होगा हमारा एनॉमली बेस्ड मेथड तो इस एनॉमली बेस्ड मेथड के अंदर जो है कुछ मशीन लर्निंग मॉडल्स या फिर कुछ मशीन लर्निंग मेथड्स भी यूज़ होते हैं जो कि हमें इजीली आइडेंटिफाई करते हैं या फिर इजीली हमारे सिस्टम की आइडिएज़ की एक्यूरेसी बढ़ाते हैं कि जो हमारे पास अटैक्स आ रहे हैं आर दे रियली अटैक क्या वो सचमुच में अटैक है या फिर जस्ट कोई डेटा पैकेट्स है या फिर जस्ट कोई हमारा नॉर्मल मैसेजेस है जो हम रिसीव करते हैं और जैसे कि मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर हम कोई भी मॉडल क्रिएट करते हैं कोई भी मॉडल बनाते हैं तो उसके अंदर हमें पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा तो यहाँ पे जो है हम सिग्नेचर बेस्ड आई से जो भी हमारे पास डेटा रिसीव होता है उसके बेस पे जो है हम हमारे मॉडल को ट्रेन करते हैं और वही ट्रेन मॉडल जो है फिर हमारा अनोमली बेस्ड मैथड में यूज़ होता है और हमारी हार्डवेयर कन्फिग्रेशन और हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनस के अंदर इनकेस अगर कोई वायरस डिटेक्ट होता है तो वहाँ पे एनॉमली बेस्ड मैथड जो है हमारा वर्क करता है थैंक यू